नमस्कार, मैं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टीका नहीं लेने वाले मुखिया जी पर सरकार हुई सख्त, पारा मेडिकल स्टाफ की नौकरी के नाम पर हो रही है ठगी। आने वाले दो दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं, 12वीं के रिजल्ट के लिए बोर्ड ने तैयार किया स्पेशल सॉफ्टवेयर। बिहार में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टीका नहीं लेने वाले मुखिया जी पर सरकार हुई सख्त, बिहार में कोविड 19 टीकाकरण अभियान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में खासतौर पर मुखिया जी की उदासीनता को लेकर सरकार अब काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है, जिसके तहत ही सरकार ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी ने कोविड 19 का टीका नहीं लिया तो उसके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है और कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों के लिए कोविड 19 वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी लोगों को टीका लेना अनिवार्य होगा, जिसके तहत अब वैसे प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे जिन्होंने कोविड 19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है। बिहार में बीते दिन सीनियर आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों को बीते दिन तबादला कर दिया है, जिसके तहत 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज सिन्हा को मुंगेर का नया डीआईजी नियुक्त किया गया। सरकार की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक बिहार गृह रक्षा वाहिनी के उप महासमादेष्टा पंकज सिन्हा को मुंगेर का नया डीआईजी बनाया गया है। सरकार ने मुंगेर के डीआईजी शफील उल हक को सिंटिंग में डाल दिया है। इसके साथ ही मुंगेर राज्य के महानिरीक्षक के पद पर उन्हें हटाते हुए शफीउल हक को पद स्थापना की प्रतीक्षा में रखा गया है। इसके साथ ही हिमांशु कुमार रॉय को जहानाबाद का डीएम बनाया गया, जबकि नवीन कुमार को मुंगेर का डीएम बनाया गया है। सुनील कुमार यादव अब सीतामढ़ी के नए डीएम होंगे। पारा मेडिकल स्टाफ की नौकरी के नाम पर हो रही है ठगी। कोविड 19 के माहौल में बिहार में ठगी का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। इस बाबत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने लोगों को आगाह करते हुए नोटिस जारी किया। जारी किए गए नोटिस में साफ शब्दों में कहा गया है कि बिहार में कर्मचारी बीमा योजना के नाम पर ठगी की जा रही है और ऐसे लोग सावधान रहे। मिली जानकारी के अनुसार पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में अभ्यर्थियों से ईएसआईसी के नाम पर पैसे वसूलने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से सभी को सलाह दी जा रही है कि इस प्रकार की गलत अफवाह से बचे और ऐसे किसी प्रकार की भी अनुचित मांग की पूर्ति ना करें। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी भी जालसाज कई जिलों में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के नाम पर ठगी कर रहे हैं। जालसाज अभ्यर्थियों से इंश्योरेंस के नाम पर पैसे की उगाही की जा रही है। आने वाले दो दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं, बिहार में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही बारिश फिलहाल थमता नजर नहीं आने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक सूबे में सभी जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए विभाग की तरफ से सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के प्रत्येक हिस्से में शनिवार को हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिली। बताया गया है कि बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे सूबे में अगले दो दिनों तक यही स्थिति देखने को मिल सकती है। रविवार के लिए उत्तर पश्चिम बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे सूबे में अगले दो दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसके तहत पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अत्यधिक बारिश की संभावना है। इसी तरह दक्षिण पूर्व बिहार और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। कल से शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान। बिहार में कोविड 19 के मामले भले ही कम आ रहे हों, लेकिन सरकार संभावित तीसरी लहर से पहले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने पर विचार विमर्श कर रही है। यही कारण है कि सोमवार से महाअभियान की शुरुआत बिहार में होने वाली है। इस बाबत बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ कोविड 19 वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज रफ्तार से चलाने के लिए प्रखंड स्तर तक के ट्रांसपोर्ट का गठन किया गया है, जिसके बाद प्रदेश के अंदर अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सेक्टर वाइज टारगेट ग्रुप बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से शुरू होने वाले अभियान में लोगों से अपील करेंगे कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम ना पाले और टीका जरूर लें। इतना ही नहीं, 21 जून को होने वाले टीकाकरण के मेगा कैंप के लिए सभी जिलों को लक्ष्य दे दिया गया है। HDFC बैंक लूट में इस गैंग ने सबसे बड़ी लूट को दिया था अंजाम। बिहार के हाजीपुर HDFC बैंक लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत इस लूटकांड के पीछे सकरा के गैंग का हाथ बताया जा रहा है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर जिले के सकरा से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। अंकलूट की सकरा में बड़े गिरोह का उद्भेदन पुलिस टीम ने किया है, जो लगातार समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में बैंक लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार बैंक लुटेरों के घर पर निशानदेही पर हाजीपुर बैंक से लूटे गए करीब 99 लाख रुपए भी पुलिस की विशेष टीम ने बरामद किया। बैंक से 1,19,770 रुपए लुटेरों ने लूटा था। अभी तक इस लूट कांड में सकरा के कुछ और लुटेरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट किया गया जारी।
बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में फेल होने वाले लगभग 2.19 लाख छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, जिसका परीक्षा परिणाम शनिवार शाम 5 बजे जारी किया गया। मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए पास छात्रों में से अतिरिक्त अंकों का ग्रेस पाकर सफल हुए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट results.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि छात्र हित में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में फेल वैसे स्टूडेंट्स जो इंटर और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2021 में शामिल हो सकते थे, उनको पिछले साल की तरह इस बार के लिए अपवाद स्वरूप कुछ आंतरिक ग्रेस देकर पास कर दिया गया। आईपीएल आधारित बीसीएल के दूसरे सीजन के आयोजन पर शुरू हुआ विचार विमर्श। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आईपीएल पर आधारित बीसीएल का पहला सीजन मार्च में आयोजित करवा चुका है, जिस पर काफी बवाल मचा था, जिसके बाद बीसीएल की तरफ से दूसरे सीजन को आयोजित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बीसीएल 2021 के आयोजन करने वाली कंपनी एलीट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के निशान दयाल ने हाल ही में मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बताया कि वो जल्द ही बीसीसीआई को पत्र लिखकर अनुमति की मांग करेगी। आपको बता दें कि लीग के पहले सीजन को भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली थी। निशान दयाल ने आगे बताया कि बीसीसीआई के साथ सभी गलतफहमियों को सुलझा लिया गया है, हमें इस बार कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। आज धूमधाम से मनाई गई गंगा दशहरा आज मनाई गई। आज ही के दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर आई थी। उनके धरती पर आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की तरफ से गंगा दशहरा के दिन का आयोजन किया गया था। इस दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है तथा पूर्वजों की तृप्ति होती है। जानकारों की माने तो माँ गंगा के दशहरा का दिन गंगा का अवतरण होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को माँ गंगा का प्राकाट्य होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 20 जून यानी कि आज मनाया जा रहा है। जानकारों की माने तो आज के दिन संपूर्ण श्रृंगार करके माँ गंगा की आरती करनी चाहिए। उसके बाद माँ को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माँ से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए अर्पित की हुई वस्तुएं किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर देना चाहिए। बिहार में एसपी से लेकर दरोगा तक के परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए 7 मानक किए गए तय। बिहार पुलिस की तरफ से शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने कुल मिलाकर 7 मानक तय कर दिए हैं। नए मानकों को लेकर जिला और थाना स्तर की प्रति महीने पुलिस विभाग समीक्षा करने वाली है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 7 मांगों पर कार्रवाई के हिसाब से ही जिलों के एसपी से लेकर दरोगा तक के काम की समीक्षा होगी और इस रिपोर्ट को उनके वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत अब शराब पकड़ने से लेकर तस्करों पर कार्रवाई करने के अभियान में और तेजी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से शराब पकड़ने, शराब को नष्ट करने, शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने और तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए नियम तय किए गए हैं। 12वीं के रिजल्ट के लिए बोर्ड ने तैयार किया स्पेशल सॉफ्टवेयर। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां एक तरफ 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी हो रही है। हालांकि बोर्ड ने इस दौरान दावा किया है कि छात्रों के परीक्षा परिणाम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, इसको लेकर विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सीबीएसई 10वीं बोर्ड 11वीं और 12वीं के अंक की गणना इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करेगी। इसकी तैयारी को लेकर बोर्ड ने स्कूल को अन्य बोर्ड से 10वीं करने वाले छात्रों के अंक तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सोमवार से काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बाबत सीबीएसई ने सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश दिया कि वो 12वीं कक्षा के रिजल्ट की गणना के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित कर रहा है। अगले सप्ताह से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम तैयार करने में स्कूल की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे श्रेया नारायण की। श्रेया नारायण का जन्म आज ही के दिन मुजफ्फर जिले में हुआ था। श्रेया नारायण एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री, मॉडल, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। श्रेया नारायण भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से हैं। 2011 में श्रेया ने तिंगमांशु धूलिया में महुआ के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। हिट फिल्म साहेब बीबी और गैंगस्टर, उन्होंने नॉकआउट रॉक स्टार सुखविंदर सिंह में अभिनय की शुरुआत कुछ करिए और सुधांशु शेखर झा की प्रेममयी जैसी कई हिंदी फिल्मों से अभिनय किया है। वो इंदर कुमार की सुपर नानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं, जिसमें नानी की भूमिका निभा रही हैं। महान हिंदी फिल्म अभिनेत्री रेखा द्वारा चित्रित उन्होंने राजश्री की सम्राट एंड कंपनी में एक मानसिक रूप से परेशान लड़की दिव्या का किरदार भी निभाया था। बिहार में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक। बिहार में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपना फैसला जारी कर दिया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर के साथ ही बिहार के सभी जिलों के सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि महामारी नियंत्रण के लिए मानव बल की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से सिर्फ 26 जुलाई तक के लिए ही की जानी है। ऐसे में जिन जिलों में अभी तक मानव बलों की आउटसोर्सिंग पर रखने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, उन जिलों में इसे रोक देना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 नियंत्रण के लिए मानव बल को शिफ्ट के अनुसार तय राशि के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सेवा दी जाए। 3 साल में दूसरी बार यहां पहुंचे धोनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के
नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी शुक्रवार शाम को शिमला आए हैं, जिससे पहले रांची एयरपोर्ट पर इस खिलाड़ी के फैन, पुलिस वाले और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ खींची गई दो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। खास बात यह है कि इस दौरान वो अकेले नहीं थे, बल्कि धोनी का परिवार, रिश्तेदार और उनके दोस्त भी आए हैं। जानकारों के मुताबिक धोनी फिलहाल 12 लोगों के साथ शिमला के मेहली एरिया में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 3 साल में दूसरी बार धोनी शिमला दर्शन के लिए आए हैं। इससे पहले साल 2018 में एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए वो यहां आए थे। इस दौरान बाइक के शौकीन धोनी ने बाइक राइडिंग भी की थी। भारत में आए 60,000 से कम मामले कोविड-19 के 60,000 से कम मामले। देश में 81 दिनों बाद 60,000 से कम कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 58,419 नए कोरोना केस आए हैं और 1576 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 30 मार्च को 60,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 87,619 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 30,776 एक्टिव केस कम हुए हैं। वहीं देश भर में 27,66,93,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 38,10,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 39,10,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार बोर्ड की तरफ से कंपार्टमेंटल परीक्षा में बगैर परीक्षा लिए छात्रों को पास करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।